नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेम की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको ग्रहण के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ज्योतिष ग्रंथ बृहद संहिता के अनुसार जब भी किसी महीने में दो या दो से अधिक ग्रहण पड़े हैं और उन पाप ग्रहों का प्रभाव रहा है तो वह समय जनता और राजा के लिए कष्टकारी होता है। दोस्तों, संहिता में स्पष्ट लिखा है कि यदि यह स्थिति अषाढ़ मास में बने तो आजीविका पर मार होती है। चीन को लेकर कोई कठोर निर्णय पूरे विश्व को युद्ध की ओर ले जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण काफी उथल पुथल लाने वाला हो सकता है। ग्रहण के समय मंगल मीन राशि में बैठकर सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु पर दृष्टि डालेगा, जो अशुभ संकेत दे रहा है। ग्रहण काल में ही शनि, बुध और गुरु और शुक्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रह बकरी हो गए हैं। ज्योतिष के अनुसार जब बड़े ग्रह बकरी होते हैं तो विश्व में महान प्राकृतिक आपदाएं आने की आशंका बढ़ जाती है। इसके साथ ही एक महीने में दो या दो से ज्यादा ग्रहण भी जनता के लिए कई मुसीबतें लेकर आ सकते हैं। 5 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और भारत में दिखाई देगा। 21 जून को लगने वाला ग्रहण भारत के साथ एशिया के कई इलाकों, यूरोप और अफ्रीका में दिखाई देगा। 5 जुलाई को लगने वाला ग्रहण अफ्रीका और अमेरिका में नजर आएगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, जब बड़े ग्रह बकरी होते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे अत्यधिक वर्षा, समुद्री चक्रवात, तूफान, महामारी आदि से जनधन की हानि हो सकती है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई में भयंकर वर्षा से जूझना पड़ सकता है। इस वर्ष मंगल जल तत्व की मीन राशि में 5 माह तक बैठेंगे। ऐसे में वर्षा काल में असामान्य रूप से अत्यधिक वर्षा होगी और महामारी का भय रहेगा। शनि, मंगल और गुरु, इन तीनों ग्रहों के प्रभाव से विश्व में आर्थिक मंदी का असर पूरे साल रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी ही वीडियोज के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रेम की शक्ति से। धन्यवाद।